गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 8 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड. चैप्टर नेम इज़ इंट्रोडक्शन टू आईटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज आईटी. आईटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. आई मीन्स इंफॉर्मेशन एंड टी मीन्स टेक्नोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या है. इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा. प्रोसेस डाटा. डाटा इज मेयर कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स. रॉ फैक्ट्स इज लाइक इफ आई राइट हेयर दैट आई विल टेक टेस्ट. दिस इज नॉट क्लियर इंफॉर्मेशन. इज इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है. आई विल टेक टेस्ट लूँगी. कब लूँगी, किस सब्जेक्ट का लूँगी, दैट इज़ नॉट क्लियर. दिस इज डाटा. इफ वी ऐड डेट इन दिस एंड ऐड सब्जेक्ट इन दिस, लाइक आई विल टेक टेस्ट ऑन 25th of August 2020 ऑफ कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 or 2 or 3 जो भी है चैप्टर, उसका अगर मैं नाम ऐड कर देती हूँ तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन. मीन्स हमें क्लियर हो जाएगा कि कब टेस्ट होना है, कौन से चैप्टर का होना है, तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन. तो डाटा क्या है. डाटा है कि जो रॉ फॉर्म है, जैसे रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स मीन्स जो क्लियर नहीं है, दैट इज़ डाटा. और इंफॉर्मेशन है प्रोसेस्ड डाटा, मीन्स जिसमें हम ऐड करते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, ऐड कर देते हैं कब होगा टेस्ट, कौन से सब्जेक्ट का होगा, तो वो होगा इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा. नाउ कम्स टू टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज एनीथिंग दैट मेक्स जॉब और थिंग ईजियर. मीन्स जिससे जो हमारा काम है ईजी हो गया, दैट इज़ टेक्नोलॉजी. लाइक हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसमें क्या है कि प्रेजेंटेशंस बनानी बहुत ईजी हैं. या अगर हम आजकल के टाइम में नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, नेट बैंकिंग में क्या होता है कि पहले बैंक्स में हमें खुद जाना पड़ता था अगर हमने कुछ डिपॉजिट करवाने हैं पैसे या हमने विड्रॉ करने हैं. पर आज के टाइम में क्या हो गया है कि जो टेक्नोलॉजी, लाइक हमने वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धो रहे हैं, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें क्या होगा, आप कपड़े डालते हो, पानी डालते हो, सर्फ डालते हो, उसको ऑन करते हो, तो क्या होता है ड्राई, फुली ड्राई कपड़े आपके पास बाहर निकल के बाहर आ जाते हैं. तो काम जो हमारा ईजी कर दिया है टेक्नोलॉजी ने. नाउ व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. टॉपिक इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यू कैन राइट दिस मीनिंग इन द कॉपी. द स्टडी और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट स्पेशली कंप्यूटर फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, सेंडिंग आउट इंफॉर्मेशन. मीन्स हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर, किस लिए यूज़ करते हैं, हमने डाटा कलेक्ट किया, उसको स्टोर किया, फिर उस डाटा से हमने कुछ इंफॉर्मेशन उससे हमने बनाई. जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, हमने वो नोट किए, फिर हमने नोट किया कि उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी क्लास में कौन सा कितने स्टूडेंट हैं, इसके कितने मार्क्स आए हैं, उसको हम प्रॉपर टेबल फॉर्म में लिखते हैं, तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन. तो हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर का. तो इंफॉर्मेशन को प्रॉपर एनालाइज करने में, कलेक्ट करने में, स्टोर करने में यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर का, तो दैट इज़ आईटी. आईटी है मीन्स कंप्यूटर का हम यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, स्टोर करने में, ट्रांसमिट एक दूसरे को. जैसे मेरे पास डाटा है, मैं किसी और, मैं नेट पे डाल रही हूँ अपनी कंपनी का डाटा कि इतने मेरे प्रॉफिट्स आए हैं, ये मेरे इतने एम्प्लॉयज़ हैं, तो दूसरी कंपनीज़ भी अपना डाटा वहाँ पे शेयर कर रही हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं. नाउ व्हाट इज़ द, हमने मीनिंग पढ़ लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. आप ये मीनिंग भी लिख सकते हैं और जो मैंने अभी आपको करवाया है वो मीनिंग भी आप लिख सकते हैं. नाउ देयर इज़ नीड. व्हाट इज़ नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. क्या ज़रूरत है हमारी डेली लाइफ में, बिजनेस में, क्या ज़रूरत है हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने पढ़ा है फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ऑफिस ऑटोमेशन. ऑफिस में हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी स्टूडेंट्स की, ऐसे एम्प्लॉयज़ के एग्जांपल आप ले सकते हैं. एम्प्लॉयज़ का डाटा आप कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उससे आप वेरियस टेबल्स, वेरियस
टाइप ऑफ रिपोर्ट्स आप प्रिपेयर करते हैं तो वो ऑफिस ऑटोमेशन में आएगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होगा कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको मैनेजमेंट यूज़ करती है एज उसको यूज़ करती है कि उसकी हेल्प से वो डिसीज़न ले पाती है। जैसे कि उन्होंने देखा कि हमारे इतने इम्प्लॉइज़ हैं, इतनी प्रोडक्शन हो रही है, इतने हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अगर प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग वेरियस डिसीज़न लिए जा रहे हैं। तो ए प्रोडक्ट है, जैसे मान लो हमारे दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो वो सब डिसीज़न लेने में हेल्प करती है। तो वो हम डिसीज़न तभी लेंगे अगर हमारे पास प्रॉपर सिस्टम होगा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, उसको एनालाइज करने का। एट होम, होम में मतलब घर पे इसकी क्या ज़रूरत है, कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, हम फ़ोन करते हैं या हम लेटर्स सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर चाहिए, उसके लिए आईटी की ज़रूरत है। देन एजुकेशन में है कि जो इंटरनेट है वो कंप्यूटर्स स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेट की हेल्प से कई तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट में आएगा कि जो कंप्यूटर है उस पर हम इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट पे हम कई तरह के प्रोग्राम्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। देन वेबसाइट इज़ कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेब पेजेस ग्रुप्ड अंडर द सेम डोमेन नेम इज़ कॉल्ड वेबसाइट। इस वेबसाइट में क्या होता है कि वेब पेजेस होते हैं कलेक्ट, जिसमें काफ़ी सारे वेब पेजेस होते हैं वेबसाइट पे, तो हम जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस पर आगे से आगे पेज ओपन होते रहते हैं, तो वो वेबसाइट होती है। ओपनिंग पेज जो होता है वेबसाइट का उसको बोलते हैं होम पेज। होम पेज पे जब हम हर वेबसाइट का URL होता है, एक लिंक होता है, उस लिंक को जब हम टाइप करते हैं या पेस्ट करते हैं, उसमें ऊपर जो होता है स्पेस बनी होती है गूगल में, वहाँ पे जब हम टाइप करते हैं या पेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है एक पेज खुल जाता है। उस पेज पे क्लिक करते हैं तो आगे आगे और भी पेजेस होते हैं, तो वो होती है वेबसाइट। जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट दी हुई है, इसमें आप सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ये है वेबसाइट है। जैसे कि इसमें आप आगे सिलेबस देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, कोई और कुछ देखना है किसी भी क्लास का वो देख सकते हैं, क्या नोटिस जारी कर रहा है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वो आप देख सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जिसमें मीन्स काफ़ी सारे पेजेस हैं, आगे से आगे आप खोल सकते हैं उसको। देन वेब सर्फिंग है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन वेबसाइट टू अदर वेबसाइट, दैट इज़ वेब सर्फिंग। मीन्स कि हम एक साइट खोल रहे हैं फिर हम उसी टॉपिक से रिलेटेड और साइट खोल रहे हैं, ऐसे ऐसे हम साइट पे सर्च मारते रहते हैं, तो वो होता है वेब सर्फिंग। स्पेंडिंग टाइम ऑन इंटरनेट, डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन क्या है कि हमारा जो नेट है वो चल रहा है, सिंपल नेट कनेक्टेड है, तो वो ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन होता है कि हमारा नेट बंद है, दैट इज़ ऑफलाइन। ऑनलाइन का अगर हम टेक्निकल टर्म में देखें, मीनिंग ऑनलाइन का मतलब है कि हम जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। ऑफलाइन है कि वी आर वर्किंग ऑन आवर कंप्यूटर, हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बाहर से कोई डाटा नहीं ले रहे हैं, दैट इज़ ऑफलाइन। डाउनलोडिंग है कि हम इंटरनेट पे हमें कुछ टॉपिक अच्छा लगा तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होती है डाउनलोड नाउ की, तो वहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो जैसे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं इस पर भी ऑप्शन आ रही है डाउनलोड की, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। नेट बैंकिंग में है कि आप आजकल के टाइम में जो बैंकिंग है वो भी ऑनलाइन हो गई है, आपको यूज़र नेम दिया जाता है, पासवर्ड दिया जाता है, उस यूज़र नेम को टाइप करते हो, पासवर्ड को टाइप करते हो, तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, उसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सेविंग कर उसमें डाल सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो हो गया नेट बैंकिंग। ऑनलाइन शॉपिंग है कि आप कंप्यूटर पे शॉपिंग कर सकते हो, नेट साइट्स हैं जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आप वहाँ पे जाके साइट पे जाके आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, मीन शॉपिंग करना भी इजी हो गया, आपको बाज़ार में नहीं जाना पड़ रहा, ठीक है, आपको कोई ट्रांसपोर्ट इधर उधर नहीं
धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या कि आपके पास अपने आप ही आपका सामान आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है। तो मतलब हमारी जो लाइफ है इजी हो गई है बिकॉज ऑफ आईटी। बैंकिंग में भी आईटी आ गई है, ऑनलाइन शॉपिंग मतलब शॉपिंग में भी बैंकिंग आ गई है, घर पे भी हम बैंक नेट यूज़ कर रहे हैं, आईटी यूज़ कर रहे हैं। नाउ हाउ टू व्यू ऑनलाइन रिजल्ट, यहाँ पे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का अगर आपने रिजल्ट देखना है आपका, तो आप कैसे देख सकते हैं? आप साइट पर जाइए, साइट है psceb.ac.in, आप टाइप कीजिए, उस पे क्लिक कीजिए ओके पे, तो आपके पास साइट खुल जाएगी ये वाली, जहाँ पे आपने कौन सी क्लास का रिजल्ट देखना है उस पे क्लिक कीजिए, आपका ईयर ऑफ एग्जामिनेशन क्लिक कीजिए, रोल नंबर टाइप कीजिए, तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मतलब इतना इजी हो गया। पहले के टाइम पे आपको रिजल्ट देखना होता था, आप दुकान पे जाते थे, हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमने रिजल्ट देखना होता था, शॉप पे जाते थे, वहाँ पर्टिकुलर शॉप बताई जाती थी हमें, वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे हमें रिजल्ट भेजो, हमें ढूंढना पड़ता था, तो मतलब बहुत मुश्किल था। आजकल के टाइम पर बहुत ईजी हो गया, आप 2 मिनट में अपना रिजल्ट देख सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। तो आईटी ने हमारी जो लाइफ है बहुत ईजी कर दिया। मोबाइल टेक्नोलॉजी में है कि इस मोबाइल टेक्नोलॉजी में, मोबाइल में भी हम टेक्नोलॉजी ही ऑब्वियसली यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी का कहाँ पे यूज़ है? एजुकेशन में आप वीडियोस देख रहे हो, एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हो, सर्वेज आ रहे हैं, उसको फिल भी कर रहे हैं कई लोग, उस पर अर्निंग कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, वो भी मोबाइल पे ही कर रहे हैं। जिसके पास, अब हर किसी के पास लैपटॉप तो है नहीं, पर मोबाइल लगभग हर किसी के पास है, तो आप बैंकिंग कर सकते हो, डाटा एनालिसिस कर सकते हो। तो ये था आपका थर्ड चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।